नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं, टॉपिक है चैप्टर 6, पाप के 4 हथियार। जैसा कि बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ के कुछ भाग को पढ़ा था, मतलब पाठ के बारे में जानकारी ली थी। अब हम आगे इसके बारे में पाठ को जानेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ लेते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है ऐसे, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो बच्चों, यहाँ विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, इसका अर्थ होता है आवाज़ उठाना, यानि आवाज़ उठाता है। कौन? सुधारक, पाप के विरुद्ध में। उपेक्षा का अर्थ होता है बच्चों अनादर या तिरस्कार। एक और शब्द आया है, पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो, इसका अर्थ होता है बेकार की बातें, निरर्थक बातें। किसकी बातों को बेकार माना गया है? सुधारक की बातों को बेकार या निरर्थक कहा गया है। आगे, सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं। बच्चों, पैने का अर्थ होता है धारदार या तेज, और कुछ ऊँचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है बच्चों, इसका अर्थ है कार्य के बीच में रुकावट डालने का प्रयास करना। जीवन अनुभवों का साक्षी है, साक्षी का अर्थ है गवाह है, कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। निंदक का अर्थ है बच्चों, यानी सुधारक के जितना करीब जो होता है उसकी उतनी ही निंदा करता है, बुराई करता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ़ हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठी है, उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और यह शस्त्र है हत्या। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। यहाँ बच्चों कहा गया है सुकरात एक नाम लिया गया है, सुकरात सॉक्रेटिस। यूनानी दार्शनिक सुकरात का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। आप प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु थे। तो सुकरात के बारे में जाना, उन्हें क्या दिया गया था? जहर का प्याला। ईसा के लिए सूली दी गई थी। आगे दिया है, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। दयानंद, आप जैसा जानते हैं, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। आपको योग शास्त्र और वैद्यक शास्त्र का भी ज्ञान था। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है
कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। बच्चों, यहाँ शहादत एक शब्द आया है जिसका अर्थ है देश के लिए प्राण देना, देश के लिए बलिदान देना। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है बच्चों, पुराणों के अनुसार यह एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्रों द्वारा चलाया जाता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। गान और बखान यानि उनके गुणगान, उनके गुणगान का बखान करने लगता है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। सुकुमारता का अर्थ होता है बच्चों दया या फिर करुणा। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो शोध पढ़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। लोकोत्तर का अर्थ होता है बच्चों सामान्य लोगों से ऊपर या फिर विशिष्ट। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं उसकी। बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है यूं है उपसंहार। उपसंहार का अर्थ होता है निष्कर्ष। उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। बच्चों, यहाँ पे फलितार्थ का अर्थ है सारांश या फिर उसका तात्पर्य। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है। अजय का अर्थ होता है बच्चों जिसको जीता न जा सके। वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? तो बच्चों, इस तरह हमने आज पाठ में यह देखा कि सुधारकों ने समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए आवाज़ उठाई तथा समाज में सुधार लाना चाहा, तो जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, जो पाप कर्म करने वाले लोग हैं, उन्होंने किस तरह से नज़रअंदाज किया और यदि वे सम्मान दिए भी तो ढोंग किए और दिखावा किए। उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को उन्होंने
अपने जीवन में अपनाया नहीं, बल्कि उसको जो है स्मारक, मंदिर तथा उनका गुणगान करने तक ही सीमित रखा। तो इस तरह बच्चों हमने पाठ को समझा और पढ़ा। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ को जान लेते हैं। खूबियों का पुंज, विशेषताओं का गुच्छा, पीड़क, पीड़ा पहुंचाने वाला, एकांगी, एकपक्षीय, पैने, तीखे या धारदार, बखान, वर्णन, लोकोक्तर, सामान्य लोगों से ऊपर या फिर विशिष्ट, अजेय, जिसे जीता न जा सके, अंबार, ढेर, विडंबना, उपहास, प्रलाप, निरर्थक बात, बकवास, शहादत, बलिदान, उपसंहार, सार या फिर निष्कर्ष, फलितार्थ, सारांश, निचोड़ या तात्पर्य, खंडित, भग्न, टूटा हुआ।